हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आप सबको स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैशन फैमिली ब्लॉग में। तो मेरी मम्मी जीतिया की है, कैसे विधि विधान से पूजा करती है, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आज हम जीतिया व्रत किए हैं अपने बच्चों के लिए और यहाँ पर पूजा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मम्मी तुलसी जी का पूजा करेगी। सबसे पहले तुलसी जी को जल चढ़ा रही है। और अब यहाँ पे टीका लगा रही है तुलसी चौरा को। और अब यहाँ पे तुलसी जी को टीका लगा रही है। और अब मम्मी जितिया माता का पूजा कर रही है। तो सबसे पहले जितिया माता को मम्मी टीका लगा रही है। और ये है जितिया माता। और अब मम्मी फूल चढ़ा रही है। और अब प्रसाद चढ़ा रही है। और अब जला रही है दिया। तो मम्मी यहाँ पे आरती कर रही है तुलसी माता और जितिया माता का। और यहाँ पे मम्मी कथा सुन रही है जितिया माता का। अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत, जो कि इस व्रत को स्त्रियां अपने संतान की लंबी आयु के लिए दीर्घायु की कामना के साथ इस व्रत को रखती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की आयु लंबी होती है तथा अच्छे स्वास्थ्य। तो फ्रेंड्स, आप लोग को दिखाते हैं कि पारण के दिन क्या क्या बना था। दाल, चावल, चना झींगा का सब्जी, साग, ओल का सब्जी, कंदा का सब्जी, सूजी का हलवा, मड़वा का रोटी और कद्दू का बचका। तो यहाँ पे मम्मी के लिए खाना लग चुका है। थोड़ा थोड़ा सब में से खाना लेकर के मम्मी दादी और बाबा को गिराएगी, फिर उसके बाद मम्मी खाना खाएगी। तो यहाँ पे दादी और बाबा को मम्मी खाना दे दी है और पानी भी।
और अब मम्मी खाना खाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मम्मी खा रही है। तो फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलिएगा और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।